क्योंकि अभी हमारे बच्चे अभी आए नहीं है, 26 तारीख के बाद तक के आएंगे, अभी कुछ फैकल्टीज खुलेगी नहीं। और दूसरी चीज जो अमित शाह ने वहां कल कहा था लखनऊ में, मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक 12th क्लास का AMU का स्टूडेंट भी अगर बुला ले तो डिबेट नहीं कर पाएंगे। अमित शाह SC और NRC इतना एक्टिव है कि वो इंडिया में बाइक भी कर ले रहा है और तकरीर भी कर दे रहा है। और जो योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया है कि मैं वो हालात कर दूंगा कि 7 पुश्तें आपकी जो है परेशान हो जाएंगी, कि जो लोग CNRC के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए और यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया, तो सब्र की अगर सीमा अगर सबसे ज्यादा देखना है, सब्र देखना है दुनिया में कहीं, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। 47 से बाद 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। इतना गुस्सा है, इतने